हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है GMSR1 टैबलेट, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवा किस काम में आती है, इसके क्या उपयोग होते हैं और इसके उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये दवा कैसे इस्तेमाल करना होता है और ये दवा कैसे काम करती है। तो इस वीडियो से आप लोगों को GMSR1 टैबलेट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है, तो आपको वीडियो के साथ में बने रहना होगा। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये दवा किस काम में आती है। तो ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है और इसका इस्तेमाल होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। मतलब कि वो लोग जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस से जूझ रहे हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, तो उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई भी बाद में चल करके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल के, वो ना हो, तो उनसे बचाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि शुगर की बीमारी के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो शुगर के मरीज़ हैं उनका ब्लड शुगर लेवल बराबर रहे, ज़्यादा ना हो। नहीं तो अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो उससे बहुत ही ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है और ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज में रखने के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के उपयोगों के बारे में। तो इस दवा का उपयोग मुख्य रूप से शुगर की बीमारी में किया जाता है, ताकि जो शुगर की बीमारी है वो बढ़े नहीं, मतलब कि ब्लड शुगर लेवल हाई ना हो और ब्लड शुगर लेवल बराबर रेंज में बना रहे, नॉर्मल रेंज में बना रहे। तो इस दवा का इस्तेमाल होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के इलाज में। ये दवा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को ठीक करने में मदद करती है, क्योंकि इस दवा के इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है और ब्लड शुगर लेवल ऊपर नहीं जाता है। तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है और ब्लड शुगर लेवल को ये बढ़ने नहीं देती है, ताकि कोई भी आगे चल करके समस्या ना हो। क्योंकि ब्लड शुगर लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे तो एक तो पता चलता नहीं है, ब्लड शुगर लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हो तो इसके आम तौर पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, जब तक कि बहुत ही ज़्यादा ये नुकसान ना कर दे। हालांकि हाई ब्लड शुगर लेवल्स के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, लेकिन वो आम तौर पर नोटिस नहीं किए जाते हैं, क्योंकि सिम्टम्स ही कुछ ऐसे होते हैं जो कि मिक्स रहते हैं, पता नहीं चलते हैं कि वो हाई ब्लड शुगर लेवल के सिम्टम्स हैं या किसी और बीमारी के सिम्टम्स हैं। ये नॉर्मली हम कभी कभी को कमज़ोरी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा पेशाब आना या फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगना या फिर बहुत ज़्यादा भूख का लगना या वज़न का बढ़ना या फिर कम होना, मतलब ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे पता नहीं चल पाता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। और बहुत ही ज़्यादा जब बढ़ा रहता है और पता नहीं चलता है, तो ऐसे में उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकता है हमारे ऑर्गन को। और जब नुकसान हो जाएगा तब तो जाहिर सी बात है कि पता चलेगा नुकसान पहुंचने के बाद। तो इसीलिए ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल में रहना और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं उनको ये दवा दी जाती है, मतलब कि शुगर के मरीज़ को ये दवा दी जाती है, ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़े नहीं और अपने कंट्रोल में रहे, हद में रहे। तो ये दवा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो इस दवा के इस्तेमाल से काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे, क्योंकि ये दवा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल और मैनेज करने में मदद करती है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देती है। तो अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं, अपनी हद में रहेगा, नॉर्मल रेंज में रहेगा, तो उससे बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस यानी कि बहुत तरह की जटिलताओं से बचा जा सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकती हैं जटिलताएं। तो ये एक तरह से ज़िंदगी बचाने में भी मदद कर सकती है दवा, अगर ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखे, बढ़ने ना दे तो। हालांकि सिर्फ दवा से इलाज नहीं होता है डायबिटीज़ का, इसके लिए जीवन शैली में बदलाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपनी डाइट में सुधार पैदा करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, तब जा करके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है और धीरे धीरे करके कम होता है और बराबर बना रहता है। तो इससे फ़ायदे यही होते हैं कि ये दवा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखती है, तो इससे जो कॉम्प्लिकेशंस का डर होता है, रिस्क होता है, वो भी कम हो जाता है। तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस यानी कि जटिलताएं हो सकती हैं हाई ब्लड शुगर लेवल के चलते, अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हो और बहुत लंबे समय तक बढ़ा हो, तो ये क्या क्या नुकसान पहुँचा सकता है हमारे शरीर को और कैसे कैसे नुकसान पहुँचा सकता है, तो आइए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो इससे बहुत ही गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जानलेवा जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा रहता है, हार्ट अटैक का जोखिम होता है अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, तो इससे क्या होता है कि ब्लॉकेज का खतरा बना रहता है, और अगर ब्लॉकेज हो और हार्ट की किसी नस में हो जाए ब्लॉकेज, तो इससे हार्ट अटैक हो सकता है।
और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चलते भी एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बना रहता है, मतलब कि नसों का जाम हो जाना, नसों में गंदगी इकट्ठा हो जाना, जिससे कि ब्लॉकेज होगा, और ब्लॉकेज होगा तो उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, उससे ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, बहुत तरह की समस्याएं, बहुत तरह की जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा किडनी पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो तो इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है और किडनियां इसको ज़्यादा दिनों तक झेल नहीं पाती हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको झेल नहीं पाती हैं, तो धीरे धीरे करके ये हमारी किडनी को भी ख़राब करता है। वैसे खून में बहुत ही अधिक मात्रा में अगर शुगर मौजूद हो तो वो धीरे धीरे करके जो किडनी में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसको ख़राब करती हैं, जो किडनी के बहुत ही बारीक बारीक ट्यूब्स होते हैं और बारीक बारीक नसें होती हैं उनको ख़राब कर सकता है हाई ब्लड शुगर लेवल। अगर खून में शुगर की मात्रा बहुत अधिक हो तो उससे धीरे धीरे किडनी ख़राब होती है, किडनी फंक्शन धीरे धीरे करके डाउन होता रहता है, तो किडनी डैमेज का भी खतरा बना रहता है और बहुत बड़ा कारण है हाई ब्लड शुगर लेवल किडनी को ख़राब करने में। इसके अलावा नर्व डैमेज भी कर सकता है हाई ब्लड शुगर लेवल, अगर खून में शुगर की मात्रा बहुत अधिक हो तो इससे क्या होगा कि नर्व यानी कि जो नसें हैं वो ख़राब हो सकती हैं, डैमेज होंगी तो उससे बॉडी का कोई पार्ट ख़राब हो सकता है, शरीर का कोई अंग ख़राब हो सकता है, काम करना बंद कर सकता है, इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। आमतौर पर न्यूरोपैथिक पेन भी इसकी वजह से पैदा होता है, मतलब कि पैरों में दर्द या फिर जो जांघों में दर्द, और ये दर्द इसी वजह से पैदा होता है क्योंकि नर्व डैमेज होता है, और अगर बहुत ज़्यादा नर्व डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से फिर महसूस होना भी कम हो जाता है, जहाँ पे नर्व डैमेज हो जाए वहाँ पे महसूस होना कम हो जाता है, फीलिंग कम हो जाती है, नमनेस का एहसास होता है, जिसकी वजह से कभी कभी को चोट लग जाती है या फिर कहीं पे कट लग जाए और वहाँ पे अगर एहसास ना हो, अच्छे से फीलिंग ना हो, नमनेस हो, तो पता भी नहीं लगता है शुगर के मरीज़ को और वो फिर बड़ा ज़ख्म बन जाता है, तो ये दिक्कतें पैदा होती हैं। इसकी वजह से आँखें भी ख़राब हो सकती हैं और हाई ब्लड शुगर लेवल के चलते आंखें भी ख़राब हो सकती हैं, बल्कि आंखों के ख़राब होने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है हाई ब्लड शुगर लेवल। तो इस तरह की जटिलताओं से बचाने में ये दवा मदद करती है और यही इस दवा का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये दवा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल और मैनेज करके रखती है। और अब बात कर लेते हैं सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशंस के बारे में, कुछ सावधानियों के बारे में जो कि आपको बरतनी चाहिए जब आप ये दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये दवा अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट नहीं करना है और न ही अपनी मर्ज़ी से बंद करना है, ये दवा आपको या फिर किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल आपको डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए है, और इस दवा को बंद भी अपनी मर्ज़ी से नहीं करना है, जब डॉक्टर आपको ये दवा बंद करने को छोड़ने को कहें तभी बंद करना है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, आपकी डाइट में कोई भी शुगरी ड्रिंक्स नहीं होने चाहिए या फिर कोई भी ऐसे खाने नहीं होने चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा हो या फिर कार्ब्स की मात्रा बहुत अधिक हो, ऐसे खाने को आप अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप जो है ऐसे खाने लें जिनमें आपको अच्छा प्रोटीन मिल सके और जो भी आपको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी हो सकें। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है और अपने वेट को मैनेज करना है, वेट बढ़ने नहीं देना है, तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहेगा और बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर आप जो है दवा ले रहे हैं शुगर को कम करने वाली दवा, जैसे कि ये दवा भी शुगर को कम करती है, तो आपको अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करते रहना है, इसकी जांच कराते रहना है, ताकि आपको पता चले कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बराबर रहे, ये आपको पता होना चाहिए है, क्योंकि कभी कभी को होता ये है कि दवा के इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से भी कम हो जाता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अचानक से जब ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो हमें समस्याएं आती हैं, उसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि कमज़ोरी महसूस होना या फिर चक्कर आना, स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीने आना, हेडेक यानी कि सर दर्द होना, शेकिंग यानी कपकपी होना, तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, और कभी कभी को बेहोशी जैसी कंडीशन भी आ सकती है, तो इसलिए ब्लड शुगर लेवल की जाँच भी होते रहना चाहिए है, ताकि पता चले कि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल और मैनेज है और नॉर्मल रेंज से भी लो ना होना चाहिए है और नॉर्मल रेंज से ऊपर भी नहीं होना चाहिए, बराबर करके रखने की कोशिश करना चाहिए है। और हाँ, जिनका ब्लड शुगर लेवल बार बार कम होता है दवा के इस्तेमाल से, तो वो जो है कैंडी वगैरह रख सकते हैं अपने पास में, डॉक्टर की सलाह ले लें आप, वो बता देंगे आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस हिसाब से आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है जो डॉक्टर आपको सलाह दें। और हाँ, इस दवा का इस्तेमाल टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के इलाज में नहीं किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है टाइप 1 डायबिटीज़ में। इसके अलावा अगर किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो सबसे पहले तो डॉक्टर को इसके बारे में जानकारी देना है, या फिर अगर दिल से जुड़ी कोई बीमारी है या फिर लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है
तो ऐसे में डॉक्टर को इसके बारे में जानकारी देना है ताकि आपके डॉक्टर आपके लिए या तो कोई और दवा दें या फिर जैसे आपका सही से अच्छे से इलाज हो सके वैसे इलाज करें आपका। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर वो महिलाएं जो कि बच्चे को दूध पिलाती हैं तो वो ये दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो देखिए एक दवा के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं कुछ अनकॉमन होते हैं, मतलब कि कुछ आम होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी किसी में देखने को मिलते हैं और कुछ रेयर होते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम जो है ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई एक साइड इफ़ेक्ट एक पर्सन में पाया जा रहा हो तो वो सभी में साइड इफ़ेक्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट पाए जा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्योंकि हम सभी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए इससे क्या होगा, हेडेक हो सकता है, मतलब सिर दर्द हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो सकता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ये कंडीशन हो सकती है, नोसिया मतलब कि उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, डायरिया मतलब कि दस्त हो सकता है, या फिर पेट में परेशानी हो सकती है, ब्लोटिंग का इशू हो सकता है, या फिर भूख में कमी आ सकती है। तो इस तरह के कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे करके चले जाते हैं, ये लगातार अगर बने रहें या फिर अगर आप जो है कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट देखें जो गंभीर हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और अब बात कर लेते हैं कि इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो आमतौर पर इस दवा को दिन भर में एक ही बार लेने की सलाह दी जाती है, एक टैबलेट, और ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, मतलब पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर होते हैं वो ये दवा एडवाइस करते हैं लेने के लिए कि इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए है ये डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक टैबलेट दिन भर में एक बार लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा, कभी कभी को कुछ पेशेंट्स के लिए हो सकता है कि दिन भर में दो टैबलेट लेने की सलाह दी जाए डॉक्टर द्वारा। और ये टैबलेट या तो सुबह में लेने के लिए कहा जा सकता है खाने के बाद या फिर दोपहर में खाने से पहले। और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। तो इस टैबलेट में दो दवाएं मिलाई गई हैं, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो इसमें है ग्लिमेपेराइड जो कि 1 mg में है और दूसरी दवा है मेटफॉर्मिन जो कि 500 mg में है। तो ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और ये दोनों के दोनों दवाएं एंटी डायबिटिक कैटेगरी में आती हैं और इन दोनों का काम यही होता है कि ब्लड शुगर लेवल को, मतलब ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज को नीचे लेकर आना है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि ये दोनों दवाएं कैसे काम करती हैं। तो इसमें जो ग्लिमेपेराइड है ये एक सल्फोनिलूरिया है जो कि इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है, मतलब कि ये जो दवा है ग्लिमेपेराइड ये इंसुलिन की मात्रा को ही बढ़ा देती है, पैंकेरियाज जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में फिर इंसुलिन रिलीज़ करने लगते हैं। अब जब इंसुलिन अधिक मात्रा में रिलीज़ होता है तो इससे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये अपने आप ही कम होता है, क्योंकि इंसुलिन का जो काम होता है ये ब्लड ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करने का होता है। तो ब्लड ग्लूकोज अगर यूटिलाइज़ होंगे वो काम में आएंगे तो एक तरह से वो कम होंगे। तो ये जो ब्लड ग्लूकोज होता है ये एक तरह का ईंधन होता है जिसको हमारा शरीर इस्तेमाल करता है, और ये इस्तेमाल कैसे करता है तो ये इंसुलिन के ज़रिए से, मतलब इंसुलिन मदद करता है इसमें। तो जब इंसुलिन अधिक मात्रा में बनेगा तो इंसुलिन क्या करेगा कि ब्लड ग्लूकोज को काम में लेगा और ब्लड ग्लूकोज कम होगा। और मेटफॉर्मिन के बारे में बात करें तो मेटफॉर्मिन एक बैगवानाइड है जिसका काम ये होता है कि ये लीवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को ही कम कर देती है। तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन जब कम होगा तो इससे तो ग्लूकोज अपने आप ही कम होगा तो ब्लड शुगर लेवल अपने आप डाउन होगा। इसके अलावा मेटफॉर्मिन का एक और काम यह भी होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन्स यानी कि आंतों द्वारा ग्लूकोज का, उसको भी ये डिले कर देती है। तो इससे क्या होता है कि ग्लूकोज एब्जॉर्ब ही कम हो पाता है, इंटेस्टाइन्स मतलब कि आंतें ग्लूकोज को कम एब्जॉर्ब कर पाती हैं, और जब आंतें ग्लूकोज को कम एब्जॉर्ब करेंगी तो ऐसे में ग्लूकोज ब्लड में कम पहुँचेगा, और जब ब्लड में ग्लूकोज कम पहुंचेगा तो ऐसे में क्या होगा कि ग्लूकोज अपने आप ही कम होगा। तो इस तरह से ये दोनों दवाएं मिल करके ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम करती हैं और ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल और मैनेज करके रखती हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी GMSR1 टैबलेट्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।